देख रहे हैं यूपी क्राइम। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के चाहे जितने भी दावे कर ले, मगर जमीनी हकीकत में वो दावे खोखले ही साबित होते हैं। पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं और प्रशासन है कि चुप्पी साधे हुए है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मथुरा की छाता तहसील से, जहां दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए एक महिला को बीच बाजार निर्वस्त्र करने की कोशिश की। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि वो अपने घर के सामने अक्रूर जी की शोभा यात्रा देख रही थी, तभी कुछ दबंगों ने आकर उसके पति के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पति को पीटता देख महिला बीच बचाव करने गई तो दबंगों ने उसके साथ भी मारपीट की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। महिला ने बताया कि ये पहला मामला नहीं है, ऐसी हरकत वो पहले भी कर चुके हैं। दबंग होने की वजह से कोई उनके सामने बोल ही नहीं पाता, लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन उन दबंगों पर क्या कार्रवाई करता है। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी होता है और मुझे सुनील पहलवान और सुनील पहलवान के लड़के ने, योगी ने और सागर ने और गोलू ने, तीनों ने, पंकज पवन ने, चारों पांचों ने मुझे मिलकर बुरी तरह मारा। वो बाजार में मेरे कान का कुंडल छीन लिया, भगवान जाने क्या हुआ, कोई 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 कपड़े फाड़ दिए और बुरी तरह मुझे मारा है। कोई पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश है, उसने एक साल पहले 30/5/18 को उसने मेरे घर में उसने मेरे संग बदतमीजी करी, मेरे आदमी और मेरे संग में मारपीट करी, लात उनसे खाई करी, मेरे जब भी मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं चौकी आई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब दोबारा उसने फिर अपने घर के सामने में मेला देख रही थी अक्रूर जी की शोभा यात्रा, अब उसने फिर शराब के नशे में मेरे आदमी को भी पीटा, मुझे भी पीटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, पूरे बाजार के आ गए, सबके आ गए, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं थाने में आई हुई हूँ। लगभग कितने बजे घटना है? 9 बजे की। ब्यूरो रिपोर्ट, मथुरा, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम।